आइए जानते हैं योगा से कितने प्रकार के लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ होते हैं, मांसपेशियों का थकान दूर होता है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाते हैं। योगा करने के फायदे अनेक हैं, जिसे बताने में बहुत टाइम लगेगा। आप योगा करके अनेकों फायदे ले सकते हैं, आप तब पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तब आप न केवल शारीरिक रूप से अपित मानसिक एवं भावात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य का तात्पर्य बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह जीवन की गतिशीलता है जो बताती है कि आप कितने खुश, प्रेम और ऊर्जा से भरे हुए हैं। योग हमें बैठने का तरीका, प्राणायाम तथा ध्यान संयुक्त रूप से सिखाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने वाले को असंख्य लाभ प्राप्त होता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। नियमित रूप से डेली योगा करने से इतना फायदा होता है कि आप उसे गिन नहीं सकते हैं। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप लोग अब तक व्यायाम योगा नहीं शुरू किए होंगे, तो आज से आप योगा करना चालू कर दें। कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट डेली का टाइम दें अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके पेट में ज़्यादा चर्बी है, मोटापा है, इसे भी दूर करना चाहते हैं, तो आप योगा करना चालू कर दें। योगा करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये नहीं है कि आज आप करना चालू करें, कल बंद करें तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चालू करें, जब तक जिस दिन इच्छा आपका ना करें उस दिन बंद कर दें, फिर से रेस्ट करें 2-3 दिन, या कभी भी चालू कर सकते हैं। आप जितना ही करेंगे उतना ही फायदा होगा। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं, योग के लाभ यहाँ भी है। सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम योग के साथ साथ शरीर के वजन में कमी लाते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से योगाभ्यास इतनी समझ देता है कि हमें किस प्रकार का भोजन कब करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह वजन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। आप बहुत टेंशन में भी हैं, डेली ऑफिस के काम, घर के काम, किसी भी उलझनों में फंसे हुए हैं, आपका दिमाग की संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उस टाइम भी योगा का उपचार, मतलब योगा करने से आपको शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। 10 से 20 मिनट टाइम दें अपने आप को, आप उसका लाभ जरूर उठाएंगे। इस कोई हानिकारक योगा नहीं है, बहुत लाभकारी योगा है, आप इसका फायदा उठाएं। बस 10 ही मिनट में देना है, 10 मिनट आप सुबह जाके ब्रश करें, फ्रेश हो, उसके बाद 10-15 मिनट बैठे योगा को करें, अच्छी तरह से मन से
मन की शांति में किसी भी काम को करने निकल। शाम को भी अगर टाइम मिलता है तो शाम को भी करें। दिन भर के कुछ मिनट का योगा दिन भर की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। दिन भर की मेहनत या भाग दौड़ किए तो दिन भर में कुछ ही मिनट पूरे दिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। कुछ मिनट आप बस योगा करते हैं तो न केवल शारीरिक अपितु मानसिक चिंताओं से भी योगासन प्राणायाम और ध्यान तनाव दूर करने का कारगर उपाय है। अंतस्थ की शांति। हम सभी शांतिपूर्वक सुंदर एवं प्राकृतिक स्थानों पर घूमना पसंद करते हैं। हम जब यह अनुभव करते हैं कि यह शांति हमारे अंदर है तो दिन में किसी समय छोटी छुट्टी लेकर अनुभव कर सकते हैं। हम पहाड़ों पे मनाली मतलब नैनीताल झीलों को देखकर शांति के लिए जाते हैं तो एक ही दिन में जाएंगे, डेली डेली तो जाएंगे शांति में। अगर आप अपने अंदर कैसे ढूंढ सकते हैं शांति, रोज आपके चेहरे पे स्माइल होगी, खुशी होगी, चेहरे झलक उठेंगे, बस आप योगा करें, आपके अंदर सारी शांति छुपी हुई धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। आपकी बुद्धि तभी कम है, आप सही ढंग से कोई काम नहीं कर पा रहे, योगा को शुरुआत करें और आपका धीरे धीरे दबी हुई नसें जो ठीक जीवी हैं वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएंगे। और इसमें उसके बाद अगर आपको बहुत दिनों से कोई रोग है, प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार लाता है योगा। अगर आपको कोई रोग है, दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो आप योगा को जरूर अपने लाइफस्टाइल में लाएं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। हम संयुक्त रूप से शरीर मन आत्मा से बने हैं। शरीर में कोई अनियमितता मन को प्रभावित करती है। मन में निराशा और थकान शरीर में रोग का कारण है। योगासन अंगों को समान्तर स्थिति में रखते हैं और मांसपेशियों को शक्ति देते हैं। प्राणायाम और ध्यान तनाव को दूर करते हैं और प्रशिक्षण क्षमता सुधारते हैं। मन संयुक्त रूप से भूत और भविष्य में झकझोरे मारता रहता है, लेकिन कभी वर्तमान में नहीं रहता। साधारण रूप में मन की स्थिति में सजगता हमें तनाव से मुक्त करती है, मन को शांति प्रदान कर कार्य क्षमता बढ़ाती है। योग तथा प्राणायाम मन को वर्तमान समय में लाते हैं। हम प्रसन्न और लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हैं। योग द्वारा आपके अपने आत्मीय जनों से संबंध सुधर जाते हैं। डेली आप योग करते हैं, अपने फैमिली अपने बीवी बच्चों बीवी खासकर संबंध अगर अच्छे नहीं हैं, डेली झगड़ा होते हैं तो बीवी मन की शांति आपके अंदर शांति नहीं है, गलत विचार आते हैं, इसलिए आपस में लफड़ा होता है। योग करने से मन की शांति होती है, जैसे आप तो हंसेंगे ही, आपके अंदर खुशी तो रहेगी, दूसरों को भी खुश रखेंगे, ऊर्जा की वृद्धि होती है। आपके अंदर जो भी कुछ कमी है
दूसरे से डरते हैं तो उसके लिए एनर्जी आती है, आपके अंदर ऊर्जा आती है। 10 मिनट का योगा आपकी पूरी तरह से आपकी बॉडी में पॉजिटिव भर देता है। बेहतरीन शरीर की लचीलापन एवं बैठने का तरीका भी आपको पता चल जाता है। आपके शरीर आप कहीं भी चढ़ते उतरते छोटी सी वैसे भी गिर जाते हैं तो आपके हाथ पर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से भी आपको सहायता मिलेगा, मतलब उस चीज़ों से आपको बचने का एक रास्ता है योगा। आपकी बॉडी इधर से उधर होती रहेगी तो इससे आपके शरीर में लचीलापन जब होगा तो हल्का होगा, मतलब कहीं पैर पड़ता है तो मोचा जाता है तो उसे नहीं होने से। योग तथा ध्यान आपके अंत ज्ञान की शक्ति में सुधारता है जिससे आपको यह पता चलता है कि क्या कब कैसे करना है जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिले। यह कार्यकर्ता है, इससे केवल आपको अनुभव करना है। अंत योग का लगातार अभ्यास करके आप जितना अधिक गहरा अभ्यास करते हैं उतना अधिक आपको लाभ मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में इससे अच्छे विचार प्रकट करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ में जो चीज़ें नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।